अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मलकपेट यशोदा हॉस्पिटल की एक सच्चाई सामने आई कि कैसे हॉस्पिटलों की जानिब से, डॉक्टरों की जानिब से लोगों से रुपये वसूलते हैं, मरने के बाद भी लाश के साथ रुपये वसूल रहे हैं। बड़ी अफसोस की बात है, यही डॉक्टर का क्या दर्जा था, लेकिन आज ये डॉक्टर्स लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो मरने के बाद भी रुपये ले रहे हैं उनके पेरेंट्स से। एक ऐसा ही वाकया यशोदा हॉस्पिटल मलकपेट में देखने को मिला, जहां पर कांग्रेस के लीडर उज़्मा शाकिर ने एहतजाज किया। बताया जा रहा है कि रमैया नामी एक लड़की थी जिसकी उम्र 20 से 21 साल है, उसको डेंगू और फीवर था और उसको यहां पर शरीक किया गया है। 14 के दिन इसकी मौत वाकई हो गई, यानी 12 के दिन ये एडमिट हुई, 14 के दिन इनकी मौत हो गई। 15 के बिल बनते हैं कि इनको दूसरा ट्रीटमेंट दे रहे हैं और 15 के बिलों में सारी चीज़ें हैं, जबकि 14 के दिन की डेथ सर्टिफिकेट भी बन चुकी है और ये मरने का भी डिक्लेयर हो गया है, लेकिन 15 के भी बिल बनाकर पैसे लिए जा रहे हैं। 6 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद लड़की नहीं बची। आज एक बहुत बड़ा सवाल है कि किस तरह से ये बड़े बड़े हॉस्पिटल्स किस तरह का क्राइम कर रहे हैं, किस तरह का स्कैम कर रहे हैं, लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कौन है इसके ज़िम्मेदार, क्या कर रही है हुकूमत? फौरन ऐसे हॉस्पिटलों को बर्खास्त करने की ज़रूरत है, इनका लाइसेंस जब्त करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे दवाखानों की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं और रुपयों के लिए इस तरह का खेल खेला जा रहा है। हालांकि ऐसे ये वाकया एक ये नहीं है, अमूमन ऐसे हॉस्पिटल्स इस तरह का धंधा चला रहे हैं और इस पर कई मूवीज़ भी बनी थी, जैसे हाल ही में गब्बर जो अक्षय कुमार की मूवी आई थी उसी में भी यही बताया गया है कि किस तरह से एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल, किस तरह से लोगों की ज़िंदगी के साथ खेलता है। लेकिन वहाँ पर आवाम को उजागर बताया गया था, मीडिया को उजागर बताया गया था, लेकिन आज हकीकत में आवाम सो रही है और आवाम को जगाने वाली मीडिया भी करप्ट हो चुकी है। यही वजह है कि आज इस तरह ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ते जा रही है और इस तरह का ये खेल खेला जा रहा है। ज़रूरी है कि आपको जागना, ज़रूरी है मीडिया को अपनी जिम्मेदारी को समझना, तभी जाकर शायद इस तरह के हालात नहीं होंगे। इस तरह से जिसकी इनकी हिम्मत बढ़ते जा रही है वो हिम्मत नहीं बढ़ेगी। हमारी जो जिम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी को हम निभाएं, तभी जाकर शायद और लोगों की जान बच सकती है। बहरहाल उज़्मा शाकिर ने फौरन मुतालबा किया हुकूमत से कि फौरन ये हॉस्पिटल को बर्खास्त किया जाए और यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, जो रिटायर्ड पुलिस वालों को रखा जा रहा है, उनकी जानिब से भी हिरासा किया जाता है, उनकी जानिब से डराया धमकाया जाता है, सच्चाई सच बोलने वाली आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है जो सारी ज़िंदगी करप्शन में मुब्तला थे, पुलिस की जब तक ड्यूटी करे खाते रहे, अब जब वो ड्यूटी ख़त्म हुई, रिटायर हुए, तो फिर खाने का दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिए हैं। ऐसे लोगों की वजह से भी लोग परेशान हैं। बहरहाल ज़रूरी है कि फौरन इस पर तवज्जो दें। तकी रहमान की ये रिपोर्ट। చెప్పండి
ట్రీట్మెంట్ మొత్తం 15 తారీఖు ఉంది మీరు ఇన్ని ట్రీట్మెంట్ ఎవరు 6 లక్షలు మీరు ముందు కట్టి 2 రోజులకు 6 లక్షలు ఎట్లయితే చెప్పండి 2 లక్షలకు 6 లక్షలు ఎట్లయితే మీరు ఏం ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిందా రాకెట్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిందా రాకెట్ సైన్స్ ఇచ్చిందా చెప్పండి 6 లక్షలు ట్రీట్మెంట్ 6 లక్షలు ఎట్లయితే 2 రోజులకు 2 రోజులకు 6 లక్షలు ఎట్లయితే ఏమి ఇచ్చారు 6 లక్షలు ఎట్లయితే మీరు నాకు చెప్పండి డెంగ్యూ ట్రీట్మెంట్ కు 6 లక్షలు ఎట్లయితే చెప్పండి మేము పబ్లిక్ సర్వీస్ లో ఉన్నాము మస్తు మనం దాఖలు చేర్చుకున్నాం డెంగ్యూ చాలా మందికి ఇచ్చినాము ఎట్లయితే సార్ మీ కంప్లైంట్ ఇచ్చింది కదా సార్ పేరెంట్స్ మీరు ఇటువంటి దాఖలు ఫీల్ చేయాలి సార్ ఇటువంటి ఉండద్దు పద్నాలుగో తారీఖు చచ్చిపోయిన మీరు అన్ని తెలుసు మీకు మీకు టీవీలో చూసినా నేను 14వ తారీఖు చచ్చిపోయిన దాన్ని 15వ తారీఖు ఎట్లు సార్ చూసినాం అన్ని చూసినాం మీరు చెప్పండి నిన్న తీసుకోండి మీతో మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాలి మీరు యాక్షన్ తీసుకోవాలి దాఖలు అయితే ఎప్పుడో పని చేస్తారు ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి దగ్గర కాబట్టి సీఎం కు దగ్గర కాబట్టి మీరు ముక్కు ముట్టుకోరు ఎవరు ముట్టుకోరు ఇళ్ళను ముఖ్యమంత్రి వస్తారు ఈ దాఖలకు లక్షల 6 లక్షల బిల్ ఎట్లా చెప్పు 2 డేస్ बड़ी ही शर्म की बात है। यशोदा हॉस्पिटल हॉस्पिटल जो है किसी के जीवन को बचाने के लिए रहता, डॉक्टर्स का काम रहता कि पेशेंट की जान बचाई जाए, पेशेंट को नई जिंदगी दी जाए। लेकिन ये जो हॉस्पिटल है यशोदा हॉस्पिटल, ये मुर्दों को भी नहीं बख्शता है। 12 अक्टूबर को रम्या 21 साल की बच्ची जो है यह हॉस्पिटल में एडमिट होती है, 14 तारीख को उसकी डेथ होती है। हॉस्पिटल वाले 15 तारीख को भी उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी भी बिल डालते हैं। कितनी गलत बात है कि एक डेड बॉडी के ऊपर ट्रीटमेंट करते हैं ये लोग और उसका पैसा वसूल करते हैं। शर्म आना इनको, ये हॉस्पिटल बंद होना। केसीआर से डिमांड करते हैं कि उनके रिश्तेदारों का ये जो हॉस्पिटल है यशोदा हॉस्पिटल, ये बंद करना। यहाँ के मैनेजमेंट को शर्म आना, मुर्दे तक को नहीं बख्शे ये लोग। मुर्दे के ऊपर ट्रीटमेंट करें, मुर्दे की ट्रीटमेंट का पैसा लिए ये लोग। 15 तारीख के दिन जो है बिल बताए, ये बिल है, इसमें आप देखिए ये जितने भी यहाँ पे ये चार्जेस है, 1000 रुपये है, 8500 है, 1600 है, 14900 है, ये सारी बिलिंग 15 तारीख की है। देखिए आप, मतलब इंतकाल के बाद के, इंतकाल के बाद के हैं। 14 तारीख के दिन इंतकाल हुआ, ये डेथ सर्टिफिकेट भी वो लोग इशू करें, डेथ सर्टिफिकेट भी वो लोग ही इशू करें। ये डेथ सर्टिफिकेट है 14 तारीख का, ये आप देख सकते हैं। 15 तारीख को आप क्या दवाइयाँ देते, 15 तारीख को आप क्या इंजेक्शन लगाते, क्या ट्रीटमेंट करते डेड बॉडी पे, कितनी शर्म की बात है। शुक्र है तो शर्म आना इन लोगों को। मैडम एडमिट होने की वजह क्या थी लड़की की? बच्ची को डेंगू फीवर था, इन्फेक्शन था। किस दिन एडमिट हुए थे? 12 तारीख को एडमिट हुए थे। कितने दिन हॉस्पिटल में थे? दो दिन का बिल 6 लाख रुपए भरे गरीब माँ बाप। 6 लाख भर के भी जो है बच्ची नहीं बची, और 15 तारीख की भी जो है बिलिंग पे करे वालदेन, जबकि 15 तारीख को बच्ची थी ही नहीं, मर गई थी। कितना अन्याय है। बच्ची का नाम रम्या है, 21 साल की।
एलबी नगर की कोदारा से आई है सत्यनारायण से, लेकिन बहुत ही गलत हुआ है बच्ची के साथ कि और उसके पेरेंट्स के साथ खास तौर पे कि एक गरीब माँ बाप को किस तरह लूटा गया, 6 लाख रुपए दे के भी उनकी बच्ची की जान नहीं बची। और सबसे उस पर अफसोसनाक बात यह है कि 15 तारीख की ट्रीटमेंट के पैसे लिए, 15 तारीख को जब बच्ची थी ही नहीं, 14 तारीख को ही वो लोग हॉस्पिटल वाले डेथ सर्टिफिकेट दिए थे। हाँ, ये पूरा आप देखिए ना, मैं आपको बताई, ये पूरा एक्सपेंडिचर जो है 15 तारीख का है। क्या आप डेड बॉडी को ट्रीटमेंट करें? डेड बॉडी को ट्रीटमेंट करने से क्या मिलता था? अपनी जेबें भरने के लिए। ये हराम का कब तक खाएंगे आप लोग? ऊपर क्या जवाब देंगे? यशोदा हॉस्पिटल, ये एलबी, ये मलकपेट, कितनी गलत बात है। ये हॉस्पिटल फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। ये आवाम की इलाज के लिए नहीं है, पैसा लूटने के लिए है, ये अपनी जेबें भरने के लिए है। आवाम की सेहत के साथ खेल रहे हैं, ये आवाम की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए। शिकायत पुलिस में की? हाँ, पुलिस में भी किए हैं, मलकपेट पीएस में, चैतन्यपुरी में।